उत्पत्ति अध्याय 30। जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, तब वह अपनी बहन से डाह करने लगी और याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तब याकूब ने राहुल से क्रोधित होकर कहा, क्या मैं परमेश्वर हूँ? तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। राहेल ने कहा, अच्छा, मेरी दासी बिलहा हाजिर है, उसी के पास जा, वह मेरे घुटनों पर जनेगी और उसके द्वारा मेरा भी घर बसेगा। तब उसने उसे अपनी दासी बिलहा को दिया कि वह उसकी पत्नी हो, और याकूब उसके पास गया और बिलहा गर्भवती हुई और याकूब से उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब राहेल ने कहा, परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया और मेरी सुनकर मुझे एक पुत्र दिया, इसलिए उसने उसका नाम दान रखा। राहेल की दासी बिलहा फिर गर्भवती हुई और याकूब से एक पुत्र और उत्पन्न हुआ। तब राहेल ने कहा, मैंने अपनी बहन के साथ बड़े बल से लिपट कर मल्ल युद्ध किया और अब जीत गई, अतः उसने उसका नाम नप्ताली रखा। जब लिया ने देखा कि मैं जन्ने से रहित हो गई हूँ, तब उसने अपनी दासी जिल्पा को लेकर याकूब की पत्नी होने के लिए दे दिया, और लिया की दासी जिल्पा के भी याकूब से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, अहो भाग्य, इसलिए उसने उसका नाम गाद रखा। और फिर लिया की दासी जिल्पा के याकूब से एक और पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, मैं धन्य हूँ, निश्चय स्त्रियाँ मुझे धन्य कहा करेंगी, इसलिए उसने उसका नाम आशेर रखा। गेहूं की कटनी के दिनों में रूबेन को मैदान में दूधा फल मिले और वह उनको अपनी माता लिया के पास ले गया। तब राहेल ने लिया से कहा, अपने पुत्र के दूधा फलों में से मुझे कुछ दे। उसने उससे कहा, तूने जो मेरे पति को ले लिया है, क्या यह छोटी बात है? अब क्या तू मेरे पुत्र से दूधा फल भी लेना चाहती है? राहेल ने कहा, अच्छा, तेरे पुत्र के दूधा फलों के बदले वह आज रात को तेरे संग सोएगा। सांझ को जब याकूब मैदान से आ रहा था, तब लिया उससे भेंट करने को निकली और कहा, तुझे मेरे ही पास आना होगा, क्योंकि मैंने अपने पुत्र के दूधा फल देकर तुझे सचमुच मोल लिया। तब वह उस रात को उसी के संग सोया। तब परमेश्वर ने लिया की सुनी और वह गर्भवती हुई और याकूब से उसके पांचवा पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, मैंने जो अपने पति को अपनी दासी दी, इसलिए परमेश्वर ने मुझे मेरी मजदूरी दी है, इसलिए उसने उसका नाम इसाकार रखा। लिया फिर गर्भवती हुई और याकूब से उसके छठवां पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, परमेश्वर ने मुझे अच्छा दान दिया है, अब की बार मेरा पति मेरे संग बना रहेगा, क्योंकि मेरे उससे 6 पुत्र उत्पन्न हो चुके हैं, इसलिए उसने उसका नाम जबूलून रखा। तत्पश्चात उसके एक बेटी भी हुई और उसने उसका नाम दीना रखा। परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली, इसलिए वह गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। तब उसने कहा, परमेश्वर ने मेरी नाम धराई को दूर कर दिया है, इसलिए उसने यह कहकर उसका नाम यूसुफ रखा, परमेश्वर मुझे एक पुत्र और भी देगा। याकूब और लाबान के बीच विवाद। जब राहेल और यूसुफ उत्पन्न हुए, तब याकूब ने लाबान से कहा, मुझे विदा कर कि मैं अपने देश और अपने स्थान को जाऊं, मेरी स्त्रियां और मेरे बच्चे जिनके लिए मैंने तेरी सेवा की है उन्हें मुझे दे कि मैं चला जाऊं, तू तो जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की है। लाबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो यही रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। फिर उसने कहा, तू ठीक बता कि मैं तुझको क्या दूं और मैं उसे दूंगा। उसने कहा, तू जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की है और तेरे पशु मेरे पास किस प्रकार से रहे, मेरे आने से पहले वे कितने थे और अब कितने हो गए हैं, और यहोवा ने मेरे आने पर तुझे आशीष दी है, पर मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा। उसने फिर कहा, मैं तुझे क्या दूं? याकूब ने कहा, तू मुझे कुछ न दे, यदि तू मेरे लिए एक काम करे तो मैं फिर तेरी भेड़ बकरियों को चराऊंगा और उनकी रक्षा करूंगा। मैं आज तेरी सब भेड़ बकरियों के बीच होकर निकलूंगा, और जो भेड़ या बकरी चीते वाली या चितकबरी हो, और जो भेड़ काली हो, और जो बकरी चितकबरी और चित्ती वाली हो, उन्हें मैं अलग रखूंगा और मेरी मजदूरी में वे ही ठहरेंगी,
और जब आगे को मेरी मजदूरी की चर्चा तेरे सामने चले तब धर्म की यही साक्षी होगी, अर्थात बकरियों में से जो कोई न चित्ती वाली न चितकबरी हो और भेड़ में से जो काली हो न काली हो यदि मेरे पास निकले तो चोरी की ठहरे। तब लावान ने कहा तेरे कहने के अनुसार हो। अतः उसने उसी दिन सब धारी वाली और चितकबरी बकरों और सब चित्ती वाली और चितकबरी बकरियों को अर्थात जिनमें कुछ उजलापन था उनको और सब काली भेड़ों को भी अलग करके अपने पुत्रों के हाथ सौंप दिया और उसने अपने और याकूब के बीच में 3 दिन के मार्ग का अंतर ठहराया और याकूब लाबान की भेड़ बकरियों को चराने लगा। तब याकूब ने चिनार और बादाम और अरमोन वृक्षों की हरी हरी छड़ियां लेकर उनके छिलके कहीं कहीं छिलके उन्हें धारीदार बना दिया ऐसा कि उन छड़ियों की सफेदी दिखाई देने लगी। तब छिली हुई छड़ियों को भेड़ बकरियों के सामने उसके पानी पीने के कठोतों में खड़ा किया और जब वे पानी पीने के लिए आई तब गाभिन हो गई। छड़ियों के सामने गाभिन होकर भेड़ बकरियां धारी वाले चित्ती वाले और चितकबरे बच्चे जनने लगी। तब याकूब ने भेड़ों के बच्चों को अलग अलग किया और लाबान की भेड़ बकरियों को मुँह को चित्ती वाले और सब काले बच्चों की ओर कर दिया और अपने झुंडों को उससे अलग रखा और लाबान की भेड़ बकरियों से मिलने न दिया। और जब जब बलवंत भेड़ बकरियां गाभिन होती थी तब तब याकूब उन छड़ियों को कठोतों में उनके सामने रख देता था जिससे वे छड़ियों को देखती हुई गाभिन हो जाए, पर जब निर्बल भेड़ बकरियां गाभिन होती थी तब वह उन्हें उनके आगे से आगे नहीं रखता था। इसे निर्बल निर्बल लाबान की रह गई और बलवंत बलवंत याकूब की हो गई। इस प्रकार वह पुरुष अत्यंत धनाढ्य हो गया और उसके बहुत सी भेड़ बकरियां और दास और दासियां और ऊंट और गधे हो गए। थैंक यू।